ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। एंड यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वैलोरेंट मोबाइल गेम के बारे में बहुत ही सारी इन्फो। तो यार मैंने आज से 4-5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, इसमें आप लोगों को बताया था कि वैलोरेंट मोबाइल जो है गेम लॉन्च होने वाला है, जो गेम हमारा वैलोरेंट वो हमारे मोबाइल डिवाइस के लिए आने वाला है। तो गाइज फाइनली आज जो है डेवलपर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि ये गेम कब तक जो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये सब मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि गेम कब तक रिलीज़ हो जाएगा, गेम की रिक्वायरमेंट्स कितनी होंगी, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, देन फिर से बता दूंगा क्योंकि रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी मिनिमम अब हो चुकी है। मतलब पहले मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी बहुत ज़्यादा हाई थी वो, बट जो मैंने आप जो रिक्वायरमेंट बताऊंगा आपको मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल वीडियो को मिस मत करना। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या मेरा काम पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर देना। चलो यार विदाउट वेस्टिंग आवर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले जो डेवलपर्स की तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो ये है कि उन लोगों ने बोला है कि ये गेम जो है पहले हम लोग एंड्रॉयड डिवाइस के लिए लॉन्च करेंगे। मतलब ये गेम अभी तक पीसी पर था, तो काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि गेम कंसोल पर आ रहा है, तो कंसोल अभी कुछ पता नहीं है कंसोल पर कब तक आएगा। बट डेवलपर्स ने सबसे पहले ये कन्फर्म करा है कि ये गेम मोबाइल डिवाइस पर आएगा, सबसे पहले मोबाइल डिवाइस पर आएगा जो कि अंडर डेवलपमेंट में, मतलब डेवलप हो रहा है ये गेम, अब धीरे धीरे करके काफ़ी कुछ हो चुका है, अल्फा स्टेज में गेम पहुँच चुका है अपनी। मतलब गेम काफ़ी कुछ क्रिएट हो चुका है गेम में, गेम में ग्राफिक्स ज़रा पॉलिश करने रह गए हैं, थोड़ा जो लास्ट का चीज़ें रहती है लास्ट में, जो लास्ट में फिनिशिंग वगैरह रहती है वो रह गई है, बाकी सब गेम कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक बात काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैलोरेंट के फैन के लिए, काफ़ी ज़्यादा ग्रेट न्यूज़ रहने वाली है कि गेम जो है रिलीज़ होने वाला है बहुत जल्द, गेम अपनी अल्फा स्टेज को क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम वैसे बात करें रिलीज़ डेट की, तो पहले इसका बीटा वर्जन जो है लॉन्च होगा, जो बीटा वर्जन पहले एक्सेस करने के लिए मिलेगा आपको, देन ऑफिशियल ग्लोबल वर्जन लॉन्च होगा। तो इसका बीटा वर्जन कब तक लॉन्च होगा, तो गाइस बीटा वर्जन की जो रिलीज़ डेट है इसकी जुलाई है, यानी कि जो हमारा मंथ है जुलाई का, जुलाई या अगस्त का इसमें इसकी जो है बीटा वर्जन गेम का लॉन्च होगा। बीटा वर्जन ओरिजिनल और ग्लोबल वर्जन नहीं, बीटा वर्जन लॉन्च होगा इसका जून या अगस्त में। और अगर बात करें ग्लोबल वर्जन की, तो ग्लोबल वर्जन नवंबर या दिसंबर में लॉन्च होगा इसका, यानी कि या तो इसका जो ग्लोबल वर्जन लॉन्च होगा दिसंबर में या फिर नवंबर में, या और भी आगे जा सकता है। बट अभी जो है डेवलपर की तरफ जो निकल कर आ रही है, उन्होंने कहा लास्ट ऑफ 2021, यानी कि 2021 के लास्ट में गेम रिलीज़ हो जाएगा। और हाँ, ये रिलीज़ हो जाएगा, कोई डिले वगैरह का सिस्टम नहीं है, रिलीज़ हो जाएगा 2021 के लास्ट में। तो टेंशन मत लो यार, रिलीज़ हो जाएगा ये गेम। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, जब से पबजी को बैन किया गया है तब से जो हर कंपनी अपने गेम को जो एंड्रॉइड डिवाइस पर रिलीज़ करने की सोच रही है, तो उसी में जो इसका गेम की जो कंपनी है उन्होंने भी सोचा हम अपने गेम को एंड्रॉइड डिवाइस पर रिलीज़ करेंगे। एंड उन्होंने एक और चीज़ बताई कि ये गेम जो है बैटल वर्ल्ड मोड भी इस गेम में ऐड किया जाएगा। मतलब स्टार्टअप में ये गेम TDM टाइप का होगा, प्लेयर वाली, मतलब PvP जो होता है, TDM मोड, मल्टीप्लेयर मोड, उस तरीके का स्टार्टअप में गेम आएगा। देन इसका बैटल मोड आएगा, जो कि बैटल वर्ल्ड मोड काफ़ी अच्छा बनाएंगे वो लोग। तो उन लोगों ने कहा है कि जब से पबजी को बैन किया गया तब से हर कंपनी जो धूम मचाना चाह रही है एंड्रॉइड डिवाइस पर, इसीलिए जो है वैलोरेंट मोबाइल की कंपनी है, इन्होंने सोचा हम थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लें, हम भी अपना गेम लॉन्च कर दें एंड्रॉइड डिवाइस पर। तो इसीलिए गाइज़ ये गेम भी लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, और जितने भी वैलोरेंट मोबाइल के फ़ैन हैं उन लोगों को तो बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा एंड्रॉइड डिवाइस पर गेमिंग करने का वैलोरेंट के साथ। ओके, तो अगर हम बात करें इसके रिलीज़ डेट या रिलीज डेट की बात कर ली, अगर हम बात करें इसके रिक्वायरमेंट, यानी कि गेम की रिक्वायरमेंट, इन गेम रिक्वायरमेंट क्या होंगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैंने आप लोगों को बताई थी कि एटलीस्ट आपको 4GB रैम का फोन लेकर चलना होगा। बट जो डेवलपर्स ने कहा है इसकी ग्राफिक्स ने, मतलब जैसे आप लोग देख रहे हैं ये PC ग्राफिक्स हैं, और अगर एंड्रॉइड सब लगाया तो एंड्रॉइड पे ग्राफिक्स से कम ही होंगे, मतलब इतने अच्छे ग्राफिक्स होंगे नहीं, इतने अच्छे ग्राफिक्स आप लोगों को दिख रहे हैं सामने। बट अगर बात करें एंड्रॉइड के अदर गेम्स की, तो वो उनके ग्राफिक इससे भी अच्छे हैं, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं इनसे भी अच्छे ग्राफिक्स हैं एंड्रॉइड के बाकी गेम्स के। तो इस तरीके से अगर लगाया जाए तो इस गेम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 3GB रैम के फ़ोन में इजीली चल जाएगा, ये गेम इजीली 3GB रैम के फ़ोन में चल जाएगा, फ्री फायर की तरह नहीं है यार, 3GB रैम फोन में इजीली चल जाएगा। और हाँ, पिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके फैन, इसके मतलब जो यूज़र्स वगैरह हैं अभी फिलहाल में इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए पिंग प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, सीधा आप लोग डायरेक्ट गेम को इजीली प्ले कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को यार। वैलोरेंट मोबाइल काफ़ी अच्छा गेम है, एक नया बैटल गेम मिलने वाला है हम लोग को एंड्रॉइड डिवाइस पर, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड हमारा जो 4G मोबाइल है उसका भी TDM मोड बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, काफ़ी कुछ इसके बारे में इन्फो है, तो सब लोग सब कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ मैं, कि उस गेम का जो TDM मोड बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को 2 महीने के अंदर, यानी कि आने वाले 2 महीनों के अंदर उस गेम का TDM मोड देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसे 5 गन स्टार्टअप में दी जाएंगी आप लोगों को, AK-47, M4A1, या फिर इसको M21 बोलते हैं, M24 ही इसको बोलते हैं, M24 पबजी में, एंड M4A1 फ्री फायर में बोलते हैं उसको, एंड AK-47 भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एंड एक दो तीन गन और देखने के लिए मिलेंगे, अभी सिर्फ 2 ही गन के लीक है मेरे पास, बाकी जो है सिर्फ ये 2 गन नहीं होंगी, काफ़ी गन और होंगी, जो कि बहुत जल्द TDM बनकर जो है 4G मोबाइल में आने वाला है। तो 4G कौन कौन खेलता है कमेंट कर जरूर से बता देना, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह में हर जगह शेयर करना इस वीडियो को।
सो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म, तो के लिए बाय बाय ना, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।